आज नहीं कंप्यूटर पंजाबी दी ज्यादा अज थाने असी आए हैं इस करके कि एफ आई आर दर्ज हुई 4-5 दिन हो चुके हैं। उस तो बाद कोई अगे कार्रवाई नहीं सी कोई हो रही, वो वास्ते पूछना है क्या कार्रवाई अगे प्रोसेस की प्रोग्राम है। तो इतने आके एस एच ओ मिलने तो पता लगा कि वो पूरी सही ठीक तरीके इन्वेस्टिगेशन करके और ये कर रहे हैं और बड़े अच्छे ढंग ने और साढ़े को इनफॉर्मेशन कुछ लैनी होर वो इन्हों परसों का टाइम दिता कुलदीप सिंह भोगल तो सारे बैठ कर उन्होंने दे देंगे सारी। उस तो बाद क्योंकि यदि कमांड जी है इस केस की एक कमांड कोई व्यक्तिगत नहीं हो रही, इस केस की कमांड क्यों बहुत बड़ा फ्राड है, बहुत बड़ा धोखा कौम के नाता। गुरुद्वारे का पैसा, गुरुद्वारे की जमीन आ, पब्लिक का पैसा बच्चे लगा, दान का पैसा ये अपने को लैके बैठा। यदि इनवैसटीगेशन जी है ये पिछे एक कोर्ट लगी हुई है, कोर्ट कमांड कर रही है, इस करके कोर्ट की कमांड से बच नहीं सकते, ये अरेस्ट हो गए और यही साड़ी डिमांड है भी इन्होंने फौरी तौर पर अरेस्ट करना चाहिए। 420, 468, 471 दफा इन्हों अंदर करना चाहिए, जेडे बेलेबल नहीं है धारा और इन्हों अंदर करने जाके इन्वेस्टिगेशन ठीक होएगी। जब तक बाहर ये अपनी अप्रोच करते रहेंगे और मिलते मिलाते रहेंगे इन्हों की गल हो नहीं सकेगी, इस करके इन्होंने पहले अंदर करना चाहिए, उस तो बाद इन्वेस्टिगेशन ठीक हो सकेगी। अज असी सैनलाइट कलोनी थाने एस एच ओ साहब को आए है तो उन्होंने असी ये क्या कि जो कोर्ट की तरफों एफ आई आर दर्ज हुई है वो अज तक की किया है, क्योंकि एस एच ओ साहब ने सानू पूरा भरोसा दिता है कि 2-3 दिन के असी इस दुध का दुध पानी का पानी कर देंगे। जेड़ा परमजीत सिंह सरना दोषी है उन्हों असी जरूर अरैस करांगे। नाल ही मैं ये चाहता कि इहदी जो इंक्वायरी है सी बी आई ते होए ते इहदा जो पासपोर्ट है वो जबत किया जाए। नहीं, दिल्ली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो बड़ी सही लाइन पे चल रही है। सबसे बड़ी बात जो इसमें समझ में आई कि जो पैसे का लेन देन हुआ है मणिपाल को लेकर, उस पैसे में कितना पैसा दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट अकाउंट में गया है, कितना पैसा परमजीत सरना के इंडिविजुअल अकाउंट में गया है, इसकी जानकारी जो मणिपाल से ये एक उनकी जो कंपनी की बैलेंस शीट है उसके माध्यम से लेने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ उससे काफ़ी ये जानकारी निकल आएगी कि ये पैसे का लेन देन कहाँ और कैसे हुआ है। और जो दिल्ली पुलिस की अब तक इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो उनका एंगल वो लेके चल रहे हैं, उनका ये मानना है ये पैसा जो है, इस पैसे का लेन देन जो है किसी एवज में, प्रॉपर्टी के एवज में किसी दूसरा ट्रस्ट बनाने के नाम पर हुआ है और ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है जो कि बचाया नहीं जा सकता। तो वी आर फुली सेटिस्फाइड विद इन्वेस्टिगेशन और बड़ी जल्दी उसको अरेस्ट करना होगा क्योंकि पैसे का गबन है और इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस कस्टडी मस्ट है। अब आपका अगला कदम क्या होगा? हम भी कोर्ट में 13 तारीख को मार्च में जाके ये बताएंगे कोर्ट में कि हम भी कोर्ट साहिबा और जज साहिबा को ये बताने की कोशिश, समझाने की कोशिश करेंगे कि इनकी अरेस्ट जरूरी है क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा गबन है और जब तक पुलिस कस्टडी में इनको ना लिया जा सके इन चीज़ों के बारे में इनकी जानकारी नहीं निकाली जा सकती और हम इसलिए 13 तारीख को ये कोशिश करेंगे कि इनको अरेस्ट किया जाए।